हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा मैंने बिना मावे के बनाया है, यानी बिना खोए के। इसको हम सिर्फ मिल्क से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम उसमें गाजर डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर का हलवा बनाया है, और अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो जस्ट क्वांटिटी, जैसे आपको 2 किलो गाजर का तो सारी क्वांटिटी डबल कर दें। मैंने सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी गाजर कढ़ाई में डाल दी है और इसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। पर हमको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। इसके बाद हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको फिर से देखेंगे कि कैसा हुआ है, और फिर इसको हल्का सा चलाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे गाजर जो पानी रिलीज़ करने लगेगी। तो इसमें काफ़ी गाजर पानी रिलीज़ करने लगी है। इसके बाद हम इसमें पूरा एक कप मिल्क डाल देंगे। यहाँ से जैसे मैंने 1 किलो गाजर लिया तो मैंने 1 कप मिल्क डाला। अगर आप 2 kg गाजर लेंगे तो उसमें आप 2 कप डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें मैंने पूरी 1 कटोरी भर की मलाई डाली है। ये वही रेगुलर वाली मलाई है, फ्रेश बिल्कुल। आपको वो पूरी मलाई निकाल लेनी है दूध से और सिंपली इसमें डाल देना है। ये देखिए, मलाई डालने से क्या होगा, एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम उसमें मावा नहीं डाल रहे हैं, और मावा वाला इफ़ेक्ट देने के लिए हम इसमें मलाई डालेंगे। इसके बाद हम इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि गाजर पूरी अच्छी तरह से पक जाए और ये जो पानी इसमें है, मिल्क और मलाई और जो गाजर का पानी निकला हुआ है, ये सारा सूख जाएगा। तो 7 से 8 मिनट होने के बाद मैंने लिड हटा दी है, और अब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके बाद गाजर में हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ऐड की है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डालने वाली हूँ। कंडेंस मिल्क टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। वैसे इसमें टेस्ट में कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला। मैंने लेकिन थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है। तो यहाँ मैंने लगभग 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब लास्ट में इसमें 1/2 टीस्पून इसमें हमें इलायची पाउडर डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके लिए। और अब कुछ नहीं, बस इसको हाई फ्लेम पे हमें भून लेना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो सूख जाएगा। गाजर इस स्टेज पे बिल्कुल पूरी तरह से पक चुकी है, तो इसको हम जल्दी से हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। जी तो लीजिए, हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। के बाद मैंने इसमें लगभग 1 टेबल स्पून थोड़ा सा घी डाल दिया था, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। आज की डिलीशियस गाजर के हलवे की रेसिपी आप भी बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़।